आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। प्रेस क्लब जम्मू में मौजूद हूँ और आपको बता दें कि रेफरी खेल का लगातार जो प्रदर्शन भाजपा कार्यालय के बाहर चला था, आज उनका प्रदर्शन जो है जम्मू के प्रेस क्लब पहुंचा है। डिमांड उनकी एक ही है, बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कितना आश्वासन इन्हें मिला है और आज जो रुख इन्होंने प्रेस क्लब जम्मू का किया है, क्या मकसद है ये भी जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम खान मंसूर है, मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं होना चाहिए था। ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की देन है, जो अपने जो टीचर्स हैं उनके, जो नेशन बिल्डर्स हैं उनको वो सड़कों पर ला रहे हैं। डिमांड क्या है, काफी देर से डिमांड करें, क्यों पूरी नहीं हो रही, क्या लगता है? समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है इस एडमिनिस्ट्रेशन में। हमारी डिमांड्स यही थी कि हमारे जो 7 साल के प्रोविजन ने रखा था उसको हम पहले तो 5 साल का कह रहे थे, लेकिन जो हमारी जब पॉलिसी बनी थी उसमें सीधा लिखा गया था आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ 7 ईयर्स आपको रेगुलर किया जाएगा और आपके जो पोस्ट फ्रीज हैं उनको कभी डिफ्रीज नहीं किया जाएगा। कि रेगुलर किया जाएगा, फिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो आप? इन्होंने जो मेमो आपने देखा ही होगा, मेमो सर्कुलर हुआ है फेसबुक पे, अभी सोशल मीडिया पे, कि उस पर इन्होंने लिखा है सीधा कि जो आपके पोस्ट से 261-275 ऐसे कुछ पोस्ट हैं उनको हम डिफ्रीज कर रहे हैं एंड वी विल सेंड दोज पोस्ट टू द SSB। आप मुझे अगर वो उनको SSB में करेंगे, हम उस जगह हम काबिल नहीं है। वी हैव PhD स्कॉलर्स, वी हैव MPhil, वी हैव MPhil, हम काबिल नहीं है कि वो हमसे ज़्यादा, हम नहीं, वी आर नॉट अगेंस्ट दोज पीपल जिन्होंने MPhil किया है, PhD किया है, जो अभी घर में बैठे अनएम्प्लॉयड है टीचर्स, हम उनके अगेंस्ट नहीं है। अपील क्या करते हैं हम? अपील यही करते हैं कि जो आपने हमारे साथ LG साहब वादा किया है, ऑरली आपने वादा किया है, आपने उस टाइम हमारा एक दल मिला था उनके साथ, उन्होंने उनको आश्वासन दिया था कि आपकी जो डिमांड्स है, उन्होंने ट्वीट किया था कि इसको हम डस्टबिन में डालेंगे। हमने लड़कों से, आपने एसोसिएशन बोला कि आप LG साहब से बोलिए कि हमें रिटर्न दे दीजिए, लेकिन एसोसिएशन ने कहा कि LG साहब जो है उनकी बात एक ऑर्डर के मानद होती है, बट अनफॉर्चुनेटली जब हमारे LG साहब ही ये झूठ कहेंगे तो हम पूरी, देख लीजिए देश में इतने भी बड़े बड़े मंत्री लोग बैठे हैं या हमारे अमित शाह साहब हैं जो होम मिनिस्टर हैं, उनसे हम देर ना मांग करते हैं कि प्लीज़ आपका जो ये टीचर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रदर्शन पर हैं, अब ये प्रदर्शन का शहर बना है, जो जम्मू मंदिरों का शहर कहा जाता था इसको, अब ये प्रोटेस्टों का शहर बन चुका है। हमारी मांग यही है कि जो हमने डिमांड साहब के सामने रखी है उनको फुलफिल फिर करें, अदरवाइज वी विल गो एनी वायर एनी एक्सटेंट टिल हमें जंतर मंतर पर भी जाना पड़े हम वहाँ भी जाइए, लेकिन हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। जी आपका नाम? जी मेरा मंजूर अहमद राठौर, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करता हूँ। मैम आज यहाँ पे रेहबरी खेल के जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड यही है गवर्नमेंट से कि हमारा जो, हम जिस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं रेहबरी खेल, हमारा जो पोस्टें हैं उनको फ्रीज की जाए, हमारी 7 साल से 5 साल जो है उसको कन्वर्ट किया जाए और हम जल्द से जल्द जो है
एक उस पॉलिसी में आने वाले। कई दिनों से आप बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, आज आपका यहाँ पे आने का क्या मकसद था? हम दो हफ्ते से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही, गवर्नमेंट कुछ सुन ही नहीं रही है। कि हालांकि एलजी एडमिनिस्ट्रेटिव जो बाकी भी जो गवर्नमेंट है उन तक ये उनको ये पता है कि हम इतनी ठंड से दीद, आपने देखा होगा सुबह से भी मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो देखो मेरा गला भी जो है मेरे साथ साथ नहीं दे रहा है सर्दी के, क्या करते हैं भाई? हमारी यही डिमांड है गवर्नमेंट से कि हमें जल्दी से जल्द परमानेंट किया जाए, 5 ईयर का जो है हमारा प्रोसेस, क्योंकि इससे पहले 7 महीने पहले हमने प्रोटेस्ट किया था तो तब एलजी की तरफ से एक कॉल आई थी, उनसे हमारे जो है पूरे टीचर जो है हमारे टीचर हजरात जो है वो वहाँ पर मिले, उनने कहा कि इसको हम जल्द से जल्द 7 दिन के अंदर इसको जो है वो क्या करेंगे, आपका जो मसला वो हल कर देंगे। और वो 7 दिन के बजाय 7-8 महीने गुजर गए तो उन पे कोई ठस से मस नहीं हुए गवर्नमेंट। ये देखिए पूरी यूथ जो है वो बर्बाद हो रही है, पूरी जेएंडके में कह रहे हैं कि बदलाव लाएंगे, तो किस तरीके का बदलाव लाया यहाँ पे? तो रहबरखेल के टीचर्स द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, आज इनका प्रदर्शन जो है वो प्रेस क्लब जम्मू की ओर उतरा हुआ, और यहाँ पर इनका कहना है कि हमारे पे लाठी चार्ज भी किया गया है, और इसके साथ साथ इनकी यही डिमांड है बार बार, ये हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं कि इनका जो 7 साल का टाइम पीरियड है उसे 5 साल का करके इनको रेगुलराइज किया जाए। इस डिमांड को लेकर किस तरह से सरकार इनकी सुनती है वो आने वाले वक्त बताएगा। आप सबसे देखते हैं यंग बाइट्स, जनसेफ शेख बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।